हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करेंगे Amazon Prime से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। आज हम बात करेंगे Amazon Prime के अपकमिंग मूवीज के अपडेट के बारे में या जो रिलीज हो चुकी है उनके अपडेट के बारे में। साथ ही साथ बात करूंगा Disney Plus के भी अपडेट के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। देन उसी के साथ जो भी आपको अपडेट मैं बताऊंगा वो मेरी सारी वेबसाइट पे पहले से ही लिस्टेड है, तो आप और भी काफी सारे अपडेट चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं Amazon Prime के अपडेट के बारे में कि कौन कौन सी इस महीने में मूवी रिलीज हुई है। तो सबसे पहले नो टाइम टू डाई, जेम्स बॉन्ड की ब्रांड न्यू मूवी जो कि 4 मार्च को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में आ चुकी है। Amazon Prime पे जाके चेकआउट करके आओ। उसी के साथ नेक्स्ट मूवी है नोबडी, ये भी 7 मार्च को रिलीज हो चुकी है हिंदी में Amazon Prime पर, तो जाके चेकआउट करके आओ। जिसने नई मूवी देखी है मस्ट वॉच, ये बहुत ही कमाल की मूवी है। उसी के साथ अगली मूवी है डॉन जॉन, बहुत ही कमाल की रोमांटिक कॉमेडी, और अकेले ही देखना इस मूवी को, मजा आ जाएगा देखकर। थोड़ा डबिंग थोड़ा हिंदी का अच्छा नहीं है, फिर भी देखना। उसी के साथ सबकी वन ऑफ द फेवरेट मूवी 14 मार्च को रिलीज हो चुकी है द वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, बहुत ही कमाल की मूवी है, जाके चेकआउट करके आओ। और उसी के साथ अब बात करते हैं अपकमिंग अपडेट्स के बारे में जो कि Amazon Prime पर रिलीज होने वाले हैं। तो सबसे पहले डून का, जो कि मैं काफी टाइम से इंतजार कर रहा था, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु में रिलीज होगी 25 मार्च को, चेकआउट जरूर करिएगा। उसी के साथ द बॉयज सीजन 3 जो कि रिलीज होने वाला है 3 जून को, ऑफिशियली रिलीजिंग डेट कंफर्म हो चुकी है। सीजन पूरा हिंदी में आएगा, पहले से ये कंफर्म हो चुका है। उसी के साथ द क्रिमिनल लिस्ट जो कि हमारे स्टार लॉर्ड क्रिस पीट की मूवी है, बहुत ही कमाल की है, एक्शन थ्रिल है मूवी, हिंदी में रिलीज होगी। अब बात करते हैं ऐसे अपडेट के बारे में जिनकी रिलीजिंग डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। तो फाइनली कंफर्म हो चुके हैं राइट्स हीरोपंती 2 के। आई नो ये थिएटर में अभी रिलीज नहीं हुई है, पर हीरोपंती 2 ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है Amazon Prime पे रिलीज होगी। जैसी कोई रिलीजिंग डेट अपडेट आएगा मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता दूंगा। चलिए अब बात करते हैं डिज्नी प्लस के अपडेट के बारे में जो कि मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था इसका। तो फाइनली टर्निंग रेड जो कि 11 मार्च को रिलीज हो चुकी है हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश में, बहुत ही कमाल की मूवी है, जाके चेकआउट करना, 11 मार्च को रिलीज हो चुकी है। उसी के साथ पैलेस, इसका अभी तक कोई भी हिंदी का अपडेट नहीं आया, पर बहुत ही कमाल का मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट दिखाया है, पैलर्स यूनिवर्स का दिखाया है, जो कि देखने लायक है, 23 मार्च को रिलीज होने वाली है। देन उसी के साथ मून नाइट जो कि 30 मार्च को रिलीज होगी हिंदी, मलयालम, इंग्लिश, तमिल, तेलुगू में, और 6 एपिसोड हैं, और इसमें एपिसोड कौन कौन से रन टाइमिंग के होंगे वो सारे अपडेट मैंने इसमें डाले हैं, जाके चेकआउट कर लेना। चिप एंड टेल्स रेस्क्यू रेंजर एक लाइव एक्शन मूवी आ रही है जो कि हिंदी, तमिल, तेलुगू में रिलीज होगी 20 मई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। देन उसी के साथ अगली सीरीज है ओबी-मैन केनोबी जो कि बहुत ही कमाल की सीरीज है स्टार वॉर्स यूनिवर्स की, जो कि 25 मई को रिलीज होगी हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम में। देन उसी के साथ मिस मार्वल ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है, 8 जून को रिलीज होगी हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम में, तो इसको भी देखिएगा जरूर, इसकी तो कहने की जरूरत ही नहीं है, सब देख ही लेंगे। तो गाइस ये थे वो काफी सारे OTT कमाल के अपडेट Amazon Prime और Disney Plus के जो कि मैंने सारे अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर रखे हैं, और भी काफी सारे अपडेट हैं जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस आज के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।